पंजाब के लुधियाना में बीजेपी उम्मीदवार एसआर लाढ़र पर जानलेवा हमला हो गया। लाढ़र की कार पर कुछ लोगों ने ईंटों से हमला किया जिससे भाजपा प्रत्याशी घायल हो गए। पुलिस कहना है कि रविवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने प्रत्याशी की कार पर हमला किया। एसआर लाढ़र लुधियाना के गिल सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। भाजपा प्रत्याशी पर हमला तब किया गया जब वो एक गांव से चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे। लाढ़र को लुधियाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हमला पंजाब के जालंधर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के एक दिन पहले हुआ है। पीएम मोदी की 14 फरवरी को जालंधर, 16 फरवरी को पठानकोट और 17 को फाजिलका में रैली है। बता दे लाढ़र 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह वैद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वैद भी 1992 बैच के सिविल सर्विस ऑफिसर थे। बाद में उन्हें प्रमोट कर दिया गया था।